टेक्निकल मयंक 06। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक सोल्डिंग आयरन। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सोल्डिंग आयरन बनने वाला है और इस सोल्डिंग आयरन को बनाने में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में रजिस्टर दिख रहा होगा, इसके अंदर से हम नाइक्रोम वायर निकालेंगे और इससे बनाएंगे हम सोल्डिंग आयरन। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सोल्डिंग आयरन बनने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है कि आपको एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है। इस पर मैंने जो ये डिजाइन बनाई है आपको नहीं बनाना है, आपको जरूरत नहीं है ये बनाने की। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लकड़ी ली है इस पर पहले से ही होल था, तो मुझे होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फ्रेंड्स, आप जो लकड़ी यूज़ करेंगे उसमें होल नहीं होगा, तो आप कर लीजिएगा। और आपको करना क्या है कि एक लोहे की खील ले लेनी है और उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसे काट देना है और उसे थोड़ा सा घस के, थोड़ा सा मैंने जैसे ये बनाया है आपको उस टाइप का बना देना है और अच्छी तरह से ठोक देना है इसके अंदर आपको। फ्रेंड्स, देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। अब आपको करना क्या, फ्रेंड्स, अब हमको एक ले लेनी है फाइबर स्लीव ले लेनी है। फ्रेंड्स, ये मुझे ख़राब वाले प्रेस के अंदर से मिली थी, आपको भी घर में पड़ी हुई मिल जाएगी कहीं भी। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर इसे डाल देना है पूरा का पूरा। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा दिया और जो टुकड़ा बचा था उसे काट दिया है। फ्रेंड्स, मैंने अब हमें लगेगी नाइक्रोम वायर। फ्रेंड्स, नाइक्रोम वायर नहीं, आपको कॉपर का दो वायर ले लेना है अच्छा सा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कॉपर के वायर ले लिए यहाँ पे। अब आपको करना क्या है कि फ्रेंड्स, जो इसका पहला वायर ले लेना है, देखिए फ्रेंड्स, एक वायर को हमें इस साइड पे लगाना है और एक वायर को उसके ऊपर वाली साइड पे लगाना है। फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने दोनों वायर को इसमें अच्छी तरीके से लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब हमें और एक फाइबर स्लीव ले लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये जो है बहुत गर्म होगा तो हमारे हाथ को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें फाइबर स्लीव लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से इसमें लगा देना है इसे। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इसे फिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या लगेगी कि चार नट लगाना है। फ्रेंड्स, हम चार नट वैसे ज़रूरी नहीं है इसमें लगाना, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। आपको ज़रूरत नहीं लगाने की, अगर लगाना है तो लगा लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें पूरे को फिट कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया और इसका लुक कितना अच्छा रहा है, आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में। फ्रेंड्स, जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा काम भी करेगा। फ्रेंड्स, अब हमको करना क्या है कि एक नाइक्रोम वायर ले लेना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू में दिखाया था कि मैंने ये रजिस्टर के अंदर से नाइक्रोम वायर निकाला है, तो आप भी एक रजिस्टर के अंदर से नाइक्रोम वायर निकाल लीजिएगा। और अब हमें इसे लगाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला साइड है, हमें इस पर वायर लपेटते हुए हमें दूसरे साइड के वायर पर टच कर देनी है। इससे क्या होगा कि करंट इनके अंदर ही रहेगा और वायर पूरी रेड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, बहुत पतली वायर है इसलिए दिखाई नहीं दे रही होगी, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें इनका कनेक्शन करना है। तो हमें लगेगा एक USB केबल, जो चार्जर का केबल होता है 5 वोल्ट चार्जर का केबल, एक USB केबल ले लेना है और प्लस माइनस आपको निकाल लेना है वहाँ से। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये ख़राब वाले प्रेस के अंदर से निकाला था, वो जो डिज़ाइन मैंने ऊपर बनाई थी इसीलिए थी। और ये होल दिख रहा है आपको, हम इसमें लगाएंगे एक LED ताकि हमें पता चले कि हमारा सोल्डिंग आयरन चालू है या नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम इसे यहाँ पे अच्छे से डाल लेंगे अंदर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से डाल दिया। जो मैंने ये दो नीचे वायर छीले हैं, हम इनमें करेंगे LED फिट अपनी। फ्रेंड्स, इसका प्लस माइनस नहीं होता तो हम अपने से इसे फिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे फिट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा लेना है, और जो होल था उसमें हमें इसे फिट कर लेना है और इसे ग्लू गन से अच्छी तरीके से पैक कर देना है।
पर मैं इसे ग्लू अच्छा सारा यहाँ पे ग्लू डाल दूंगा ताकि निकलना नहीं चाहिए। पेन देख सकते हैं मैंने इसे फिट कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसे पूरा फिट कर लिया। अब हमें करना क्या है कि इसे लकड़ी के ऊपर ये फिट कर देना है हमें। फ्रेंड्स आप ये बनाएंगे भी नहीं तो आपको चलेगा ये ऊपर का, आप सीधे डायरेक्ट वायर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमें ये एक वायर का कनेक्शन करना है, इनका प्लस माइनस नहीं होता तो आप कोई भी वायर इसे में जोड़ सकते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन बन के बिल्कुल तैयार। फ्रेंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, और जो हमने ऊपर LED लगाई फ्रेंड्स वो ये काम करेगी कि हम जब भी हमारा चार्जर ख़राब हो जाता है तो हम सोचते हैं यार कि हमारा सोल्डिंग आयरन ख़राब हो गया। फ्रेंड्स सोल्डिंग आयरन ख़राब नहीं होता, आपका चार्जर ख़राब होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स ये लाइट आपको बताएगी कि आपका सोल्डिंग आयरन चालू है या नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड मैंने ये सोल्डिंग आयरन का एक स्टैंड बना लिया फ्रेंड, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप एक तार को उसके ऊपर लपेट के गोल गोल घुमा दीजिएगा और यहाँ पे कोई भी लकड़ी के टुकड़े में इसे फिट कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। फ्रेंड देख सकते हैं हमें ये ऐसा काम आता है, वरना हमारा कभी हम नीचे रख दें तो फ्रेंड्स हमारा हाथ जलने का खतरा बहुत रहता है या बच्चे पकड़ लेते हैं इसे। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा काम करता है, आप भी इसे बना लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं अभी मैं इसे जैसे ही चालू करूंगा तो देखिए फ्रेंड उसकी लाइट जो है वो जल चुकी है। फ्रेंड्स ये LED हमें यही बताती है कि हमारा सोल्डिंग आयरन चालू है या नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे चला के बताता हूँ, बिल्कुल ये अच्छी तरीके से फ्रेंड्स काम कर रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी सोल्डिंग आयरन की जो तार होती है उसे पिघला रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कर दीजिए फटाफट से एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए ऑल पे सेट। इससे क्या होगा कि मैं अपनी नई वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।